नमस्ते, मैं डॉक्टर रितु हिंदुजा हूँ और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने जा रहे हैं या उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए इससे पहले कि आप डिसाइड कर सके कि आपको एक टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF ट्रीटमेंट कराना है, तो वो कैसे होता है। तो बेसिकली एक महिला के दूसरे या तीसरे दिन से उनको इंजेक्शंस चालू किए जाते हैं और ये इंजेक्शन लगभग 11 दिन तक रोज लगाए जाते हैं। महीने के दूसरे या तीसरे दिन पे एक सोनोग्राफी होती है, फिर छठे या सातवें दिन पे एक सोनोग्राफी होती है, फिर नौवे या ग्यारहवें दिन के बीच में एक सोनोग्राफी होती है। ग्यारहवें दिन पे एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये ट्रिगर इंजेक्शन जो होता है ये सहायता करता है कि आपके अंडे पूरी तरह से तैयार हो जाएं। ये इंजेक्शन लगाने के 32 से 36 घंटे बाद, इसका मतलब 32 to 36 hours के बाद, आपके जो अंडे हैं आपकी बॉडी से बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये अंडे निकालने की प्रक्रिया में कोई भी कट या स्टिचेस नहीं लगते हैं। जैसे आपकी सोनोग्राफी होती है वैसे ही ये अंडे निकाल लिए जाते हैं एक नीडल के द्वारा, जो कि सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है उसके ऊपर से जाती है और वो उसमें अंडे निकाल लिए जाते हैं। अब जिस दिन अंडे निकाल लिए जाते हैं उस दिन जो पुरुष होता है वो अपना धातु देता है, जिसको धो के उसमें से शुक्राणु या तो सिलेक्ट किए जाते हैं या उस शुक्राणु को अंडों के साथ रख दिया जाता है या एक एक अंडे में एक एक शुक्राणु को मिलाया जाता है। अगर शुक्राणु को अंडों के साथ रख दिया जाता है और खुद ही शुक्राणु डिसाइड करते हैं कि कौन सा शुक्राणु अंडे को फर्टिलाइज करके भ्रूण बनाएगा, उस प्रक्रिया को IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर आपके एक एक शुक्राणु को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उसको एक एक अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दोनों ही प्रक्रिया के बाद भ्रूण तैयार हो जाते हैं जो कि लैब में ग्रो करते हैं। तो कई लैबोरेटरीज जो होती हैं वो भ्रूण को तीसरे दिन तक ग्रो करती हैं और कई लैबोरेटरीज भ्रूण को पांचवें दिन तक ग्रो करती हैं। एक बार वो लैबोरेटरी में तीसरे या पांचवें दिन तक ग्रो हो जाता है तो आपके भ्रूण को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के सबसे अच्छे भ्रूण को लेके आपसे सलाह मशवरा करने के बाद एक या दो भ्रूण आपके गर्भ में वापस रखा जाता है। अब एक बार भ्रूण गर्भ में रख दिया जाता है तो इसके बाद आपको सिर्फ दवाइयां लेनी होती हैं जो भी आपको बताई जाए। आपको क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। दवाइयां या तो 10 या 12 दिन तक चलती है डिपेंडिंग के आपका भ्रूण तीसरे या पांचवें दिन पे ट्रांसफर किया गया है। एक बार ये दवाइयों का कोर्स हो जाता है 10 या 12 दिन का तो एक ब्लड टेस्ट जिसको हम BHCG ब्लड टेस्ट कहते हैं वो करवाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब एक चीज समझने लायक ये है कि जितने अंडे हम निकालते हैं, मतलब या जितने अंडे हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे भ्रूण नहीं बनते हैं। तो कई भ्रूण बन पाते हैं और कई भ्रूण नहीं बन पाते हैं। तो जो भ्रूण बन पाते हैं वो आपसे सलाह मशवरा करके एक या दो भ्रूण को आपके गर्भ में रखा जाता है। अगर भ्रूण को गर्भ में रखने के बाद आपके पास और अच्छे तैयार भ्रूण हैं तो आपके डॉक्टर आपको फ्रीजिंग का ऑप्शन देंगे। फ्रीजिंग करवाना अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये इंजेक्शन वाली साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं धारण की या गर्भ नहीं धारण कर पाए किसी वजह से या रीजन से, तो ये फ्रोजन भ्रूण आपके दूसरे साइकिल के लिए आपको काम आएंगे, तो आपको फिर से पूरा वो इंजेक्शन वाला साइकिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो अगर आप पहले ट्रांसफर में इंजेक्शन वाली साइकिल में ही अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये भ्रूण आप 2 या 3 साल बाद अपनी दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं भ्रूण को फ्रीज करवाने के लिए। तो मोटा मोटा ये होता है एक IVF या ICSI साइकिल, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।